सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा एक ये वाईफाई कैमरा है, इसमें दो एंटीना है, और अभी इसे आप लोग के सामने मैं खोलूंगा और बताऊंगा जिसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है। चारों तरफ से घुमा के देखने के बाद ये हर तरफ से काम करता है, कैमरा ऊपर नीचे दायां बायां हर तरफ काम करता है, और बहुत अच्छा काम करता था ये कैमरा। मैं आप लोगों के लिए खाली इसे ओपन करके दिखा रहा हूँ जिसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। तो दो स्क्रू पहले यहाँ दोनों में खोल लीजिएगा, और उसके बाद एक नाइफ ले करके इसको बॉक्स टाइप का है वो खोलने का है, स्विच होता है जो अंदर में फ्लिप लग जाता है, तो उसे फ्लिप को निकाल के अलग कर लेना है। और उसके बाद देख सकते हैं कितना बड़ा सा सर्किट बोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर, दो एंटीना, बट दोनों एंटीना का वायर निकाल के रखा है लेकिन कोई काम का नहीं। अब मैं इसका आगे का काम करता हूँ, इसका स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश करता हूँ मैं। तो पहले स्पीकर निकालता हूँ नाइफ से, ये रहा स्पीकर, और इसका माइक फिर निकाल लेता हूँ मैं, जो माइक भी निकल जाएगा इजीली। माइक को छोटा सा लगाया हुआ है जो मोबाइल फ़ोन में लगते हैं, छोटे वाले मोबाइल फ़ोन में, आराम से निकाल लिया। अब ये कैमरा का पत्ती निकाल लेता हूँ मैं, ये पत्ती प्लेट का निकाल दिया, इसका कैमरा का निकाल दिया। उसके बाद ये दोनों मोटर का निकाल रहा हूँ, ये मोटर जो है आप लोग को मालूम होगा कौन सा मोटर है, स्टेपर मोटर है जिसमें 5 वायर होता है। अब ये सर्किट का काम हो गया तो मैं इसे अलग कर लिया हूँ, सर्किट को मैं अब साइड में रखता हूँ, आगे पीछे चल कर देख लीजिए कैसा है इसका डिज़ाइन। अब ये साइड में रख देता हूँ मैं। अब उसके बाद मैं इसका सिस्टम खोलता हूँ मोटर को निकालने के लिए, देखिए गया है, 3-4 मोटर निकल, इसका स्क्रू निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पे 2 स्क्रू है, हैवी हैवी, वो दोनों स्क्रू को खोलना है, तो दोनों स्क्रू को खोल लेता हूँ। दोनों स्क्रू आराम से खोल लेता हूँ भाई। उसके बाद अब आगे काम चालू होगा हमारा इसको अलग करने का। तो इसको स्क्रू को खोलने के बावजूद जल्दी खुलता नहीं है, तो इसमें थोड़ा एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, चाकू से थोड़ा उठाना पड़ेगा नाइफ से, जो इसमें एक लॉक टाइप का है जो इस लॉक को हटाना पड़ेगा, तो चाकू का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो इसके लिए मैंने चाकू से इसमें अलग से लॉक को फिर ऊपर करके हटा दिया। बहुत मुश्किल है यार ये सब खोलना, बच्चों का खेल नहीं है, फिर भी लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। गाइस, पहली बार हो आप चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो ये देखिए गाइस खुल गया है, और इसमें से मैं अपने ये पत्ती और मोटर का वायर निकाल लिया, जो कैमरा केबल और ये था। अब देखिए ये कितना छोटा सा कैमरा दिख रहा है। अब इसमें भी एक स्क्रू है कैमरा को ओपन करने के लिए, तो अब ये कैमरा के लिए मैं एक स्क्रू को खोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। आराम आराम से खुल जाता है, बहुत ईजीली खुलता है गाइस, ये कोई हार्ड वर्क नहीं है, अब जंक लग के चपक के नहीं रहता, हमेशा के लिए जो वैसा है रहेगा करके। आराम से एक स्क्रू निकल गया, अब इसको खोल के ओपन कर लेता हूँ, देखिए आप लोग कैसे निकलता है। आराम से नाइफ का ज़रूरत पड़ रहा है, बहुत हार्ड मतलब छुटा हुआ है, ये खुल गया गाइस। देखिए इसके अंदर एक मोटर है, इस पहले प्लेट को आगे कर लेता हूँ, इस पत्ती को आगे करके निकाल लिया। ये रहा स्टेपर मोटर, सेकेंडरी स्टेपर मोटर है ये, और मेरा ये कैमरा का मेन मदरबोर्ड यहाँ है, जिसमें कैमरा माउंट है वो मेन मदरबोर्ड यहाँ है। सो अब इसी में भी 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू को खोल लेता हूँ आराम आराम से, और इसके बाद फिर देखिए 1 स्क्रू खोल लिया गाइस। अब इसके बाद दूसरा स्क्रू खोलता हूँ मैं, इजीली खुल गया ये भी, आराम से खुल गया ये स्क्रू। अब ये मेरा कैमरा निकालने का प्रोसेसिंग चालू करता हूँ मैं, कैमरा निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो गाइस अब ये कैमरा मेरा निकल रहा है। अब ये जो केबल लगा हुआ है वो IR LED बल्ब का है, इंफ्रारेड LED बल्ब, जो नाइट विजन का काम करता है। तो अब ये मेरा इतना सा कैमरा है, ये नाइट विजन कैमरा है, समझ लीजिए अभी काम करता है ये, कितना कम्फर्ट है, एकदम छोटा सा कैमरा है। और ये मेरा LED है, IR LED, इंफ्रारेड LED, जो नाइट विजन के लिए काम करता है। इसमें भी गाइस 2 ही स्क्रू लगे हुए हैं, तो दोनों स्क्रू खोलने के बाद आराम से ये निकाला जाएगा। निकालने के बाद देखिए कितनी LED लगी है, गिनती करने में। इसमें एक और सिस्टम लगा होता है जो डे और नाइट को ऑटोमेटिकली यूज़ करने के लिए होता है, तो इसमें ये सेंसर लगा हुआ है डे नाइट के लिए, जो नाइट मोड कब ऑन करना है LEDs को। तो टोटल 11 LED है, 11 LED में आप समझ लीजिए कि ये कितना अच्छा वीडियो प्ले करता है, नाइट विजन काम बहुत अच्छा करता है।
और इस कैमरा की मदद से आराम से कोई चोरी वगैरह करने वाले को पकड़ा जा सकता है, उसे सामने से दिखाई भी नहीं देगा। इसके लिए इसमें ये LED इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड LED, ताकि चोर को आराम से पकड़ा जा सके। और आप देखिए इतना सारा पार्ट्स है इसका, इसको खोलने के बाद देखिए कितना सारा प्रोडक्ट है इसका। यहाँ पे इतने सारे पार्ट्स मिल करके एक कैमरा असेंबल किया जाता है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।